लेकिन इस ट्रांसपोर्टर को, हमाल के लड़के को, हमाल को इस काबिल स्टेज के ऊपर बना के कर दिया। ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर गुरु, मैं बोलता हूँ हमेशा जिंदगी में अगर आप गुरु पा गए तो आपका कामयाबी वहीं से शुरू हो जाएगा। yes. तो मेरे मेंटर अरविंद प्रजापति सर आज यहाँ पे हैं और मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, 7 साल का जर्नी केवल 1.5 मिनट के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन 4 पॉइंट बता के इस बिजनेस को खत्म करूंगा यहाँ से। मैं इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन, बैक पेन ठीक हुआ, मेरी मिसेस का सोरासिस ठीक हुआ और मेरा डायबिटीज 700 लेवल का आज 110 पे आया। ये रीजन ये बिजनेस को पैदा करने का। दूसरा रीजन, 2017 के अंदर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में 5 लाख का कर्जा हुआ। 5 लाख का कर्जा क्यों हुआ? क्योंकि हर महीना 2.5 लाख रुपया ईएमआई और पगार मिला के देता था। 2 महीना मंदी आई, 2 महीने के अंदर कर्जा हो गया, लेकिन सर से मुलाकात हुई थी, बिजनेस को समझा क्या है। दोस्तों, बताने में खुशी होती है कि आज के 4 साल पहले लाइफ कुछ और थी, हमाली की जिंदगी जीता था, लोग गाली देते थे, लेकिन आज की मैं आज बात बताऊं, एक टाइम हुआ करता था कि जब बारिश होती थी तो हमारी हालत खराब होती थी, कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा। आज की मैं बात बताऊं, घर में कार है, घर से बाहर निकलते वक्त टी शर्ट निकाला, टी शर्ट पहना, चप्पल पहना, सूट कार में रखा, जूता कार में रखा, मिसेस को बैठाया और यहाँ पे आके सारा चीज चेंज किया। ये 4 साल का चेंजेस है। 4 साल के पहले ये बिजनेस को करने के पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन आज माय लाइफ के अंदर कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग जानते हैं। 2,500 का टीम है, आज महीने का 60 से 70 हजार का इनकम है। ये सारी चीजें आपके साथ में भी हो सकती है, लेकिन एक पॉजिटिव फैसला लीजिए, आपका खुद का एक पॉजिटिव फैसला लीजिए। वक्त के ऊपर मत जाइए, वक्त आज ही आपका, अगर आप फैसला लेते हो तो। नहीं तो एक भंगार वाला आया था अभी मेरे ही बिल्डिंग के अंदर, मेरा ही टीवी देने के लिए उसको बुलाया था, आज बुलाया वहां पे, लेकिन भंगार वाले की किस्मत भाई आज भी भंगार लिखा है, वापस चला गया आधी दूरी से। लेकिन एक हमारे अजीत शुक्ला सर के साथ में अभी गेस्ट आए हैं, लास्ट तक बैठे हैं। मैं इतना वादा करता हूं कि अगर अपनी किस्मत को आजमाना है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, जिसके साथ आए हो उसके ऊपर भरोसा रखो। क्योंकि जाते जाते एक चीज बोल के जाऊंगा, जिस चीज को मैंने दिल से चाहा और आज अरविंद सर की वजह से यहां हूं। जिंदगी एक इस्तफाक नहीं होती, जिंदगी एक इस्तफाक नहीं होती, इसको जीना हर किसी की बात नहीं होती। अरे तो कुछ तो सोच रखा होगा ऊपर वाले ने, वरना इस भरी बारिश के अंदर आपकी, हमारी और माय लाइफ की मुलाकात नहीं होती।